हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ एक नॉर्मल स्प्रेयर को हम लोग फोम स्प्रेयर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है और कैसे बनाना है, इस सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दे देता हूँ। अगर आपको पसंद है तो लाइक करना। सबसे पहला हमको ये स्प्रेयर लेना है, ये तो अमेजन से मैं खरीदा हूँ और इसमें एक हम होल करना पड़ेगा। सो इस जगह मैं दिखा रहा हूँ, उस जगह पे एक होल करना पड़ेगा। तो इसे मैं एक सेफ्टी पिन से होल कर रहा हूँ, होल करके उसको मैं साइड में रख दिया हूँ। अभी एक सिरिंज का हम लोग का ज़रूरत होगा, वो 5 ml का एक तो सिरिंज मैं लिया हूँ और एक स्क्रबर जो जनरली हम लोग डिश वॉश बार में यूज़ होता है ये वाला, तो उसको ऐसा डिवाइड करना चाहिए। हम लोग को दो यूज़ करना पड़ेगा इसलिए मैं दो बना रहा हूँ, इतना पतला होने चाहिए। तो उसके बाद हम लोग को ये मेटल स्क्रबर रहता है, ये स्क्रबर को भी हम लोग इस्तेमाल करने वाला है। इसको दो पीस करके दो छोटा छोटा बाल करनी पड़ेगा। तो अभी मैं इधर पहला ये मेटल वाला अंदर घुसा रहा हूँ, तो उसको घुसाने के बाद फिर ये वाला इसको डाल रहा हूँ। तो ऐसे और एक बना के हम लोग को रखना पड़ेगा, जैसे वीडियो में बता रहा हूँ ऐसा करनी है। तो ये ऐसे करने के बाद हमारा जो ज़रूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, हम लोग का रेडी हो चुका है। तो उसका नोजल को मैं लगा देता हूँ। तो उसको लगाने के बाद अभी हम लोग को शैम्पू वाटर को यूज़ रेडी करना पड़ेगा। तो मैं 1.25 लीटर का एक बोतल लिया हूँ और उसमें नॉर्मल से एक शैम्पू जो घर में यूज़ करते हैं उस शैम्पू को मैं यूज़ करके बोतल में फिल कर रहा हूँ। और पानी इसमें मैं आधा से थोड़ा ज़्यादा लिया हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं लिया हूँ क्योंकि हम लोग को हवा भी भरनी है इसके अंदर में, तो इसलिए थोड़ा मैं गैप छोड़ दिया। तो अभी इस मिक्सचर को मैं थोड़ा सा हिला लेता हूँ, तो इसके वजह से थोड़ा सा फोम भी अंदर बन जाता है। उसके साथ साथ में अभी मैं इस पंप के सहायता से उसको पंप कर लेता हूँ। तो ऐसे पंप करने से उसके अंदर हवा भर जाता है, तो थोड़ा प्रेशर अंदर बिल्डअप हो जाता है, तो इसके वजह से उस प्रेशर से हम लोग को फोम बाहर निकलेगा। तो जैसे वीडियो में मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग प्रयोग करके देखेंगे ये सक्सेस होता है कि नहीं। तो ठीक है, चलिए। तो ये तो सक्सेस हुआ है, कामयाब हो चुका है। तो आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।